सनातन धर्म के महापर्व गणेश चतुर्थी के उपलक्ष में बुधवार को मांगल्या के पावर धार्मिक शहर इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भगवान विघ्नहर्ता गजानंद के दर पर पहुंचे और अपना सिर बप्पा के सामने नवाकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने शहर की और देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना की। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह, नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल शहर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और भगवान खजराना गणेश को 1,25,000 मोदक के लड्डुओं का भोग लगाया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि भगवान गणेश का आशीर्वाद सभी शहरवासियों पर बना रहे और इंदौर लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। सबसे पहले गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सभी जिले वासियों को, इंदौर जिले के सभी हमारे नागरिकों को, इंदौर शहर के नागरिकों को इसकी शुभकामनाएं। आने वाले समय में शहर में सुख समृद्धि रहे, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। जिस तरह से शहर ये ग्रोथ कर रहा है, उस प्रकार से ग्रोथ होती रहे, बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो, सबको रोजगार मिले। बेसिकली यही है एक शहर के आने वाले इतिहास को लेके जो आज गणेश जी से कामना की है। इस शहर के नागरिकों ने जो इस शहर का स्वरूप दिया है, पूरे देश विश्व प्रसिद्ध हुआ है शहर ये। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से शहर ग्रोथ कर रहा है, गणेश जी का आशीर्वाद निरंतर बना रहेगा इस शहर पे, इस ज़िले पे, और जो ग्रोथ शहर की हो रही है, स्वस्थ रहते हुए, स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है सभी का, स्वस्थ रहते हुए हमारे सभी नागरिक बहुत सुख से। अब उसमें व्यक्तिगत बातें हैं, आस्था रहती है। भगवान गणेश जी न केवल बहुत आशीर्वाद देते हैं, किंतु ये भी है कि अगर किसी के मन में कटुता है, कपट है या कोई पाप है और वो निरंतर चल रहा है, तो मैंने दंड भी देते देखा है गणेश जी। गणेश जी का वो स्वरूप भी देखा है, जब गणेश जी किसी पर नाराज़ होते हैं तो किस तरह से लोगों को मैंने बहुत बुरी स्थिति में देखा है, ख़त्म होते भी देखा है। और अधिकांश पर मेरे ख्याल से 99.99% मैंने गणेश जी का आशीर्वाद सुख समृद्धि के रूप में देखा है, और इसी वजह से इतनी मान्यता है। जो भी लोग यहाँ आते हैं, सच्चे दिल से मांगते हैं, श्रद्धा होनी चाहिए, भाव रहने चाहिए, और गणेश जी स्वीकार करते हैं। यहाँ पर गणेश जी के आशीर्वाद से, उनकी इच्छा से अभी प्रवचन हॉल भी एक निर्मित होने वाला है, उसके साथ साथ भक्त सदन का काम शुरू हो गया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गौशाला भी निर्मित हो जाए यहाँ पर। जो अन्य क्षेत्र है उसको बढ़ा रहे हैं, अभी कैपेसिटी 160 लोगों की है, प्रयास कर रहे हैं कि 400 से 500 में चली जाए कैपेसिटी। और संस्कृत विद्यालय, वेद विद्यालय, वेद पाठशाला टाइप की, उसको भी हम लोग विकसित करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए ज़मीनों का चयन हो गया है और बहुत शीघ्र हम लोग इसको मंदिर को दे रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से शनि शनि गणेश जी इसको विकसित कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद से विकसित हो रहा है कैंपस, आने वाले समय में वेद पाठशाला में हमारे बच्चे भी निकलेंगे, जो बहुत ज़रूरी है हमारे इस पुरातन काल की परंपरा को कायम रखने के लिए। और जब यहीं बच्चे पढ़ेंगे, अपने वेदों का ज्ञान होगा उनको, और यहीं मंदिर है, तो उसका एक उनका प्रयोग जो होता है, प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके, इस मंदिर में चलते रहेंगे, तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हमारे वेद पुराण समझने जानने वाले, सही उच्चारण करने वाले ऐसे पंडित हमारे यहाँ से निकलेंगे, उसी का प्रयास चल रहा है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट भी खजराना गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। आपके माध्यम से सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश के भाइयों और बहनों को, बेटी और बेटियों को, और मध्य प्रदेश का विकास, मध्य प्रदेश की प्रगति, ये आस्था का, विश्वास का, विकास का प्रतीक है हमारा ध्वजा। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश का विकास हो, इंदौर का विकास हो, क्योंकि इंदौर कला के साथ, संस्कृति के साथ धर्म की नगरी है, आस्था की नगरी है, विकास की नगरी है, स्वच्छता की नगरी है। अब ये भगवान का आशीष हो तो हमारे साथ स्वच्छता के साथ शिक्षा की नगरी, स्वास्थ्य की नगरी बने, विकास और प्रगति का नए आयाम। जिस प्रकार से इंदौर में एक जुनून है विकास का, प्रगति का, जब भी इंदौर करता है, अद्भुत करता है, ऐसे विकास और प्रगति में भी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकल्प है कि ये उनके सपनों का शहर है, ये हैदराबाद से भी आगे जाए, बेंगलोर से भी आगे और बॉम्बे से आगे जाए, हमें पूरा विश्वास है कि इंदौर की बागडोर, एक तरुण महापौर हमारे भार्गव जी के हाथ में है, और पूरी टीम करेगी विकास और प्रगति का ही विश्व। भगवान के चरणों में मैं याचना करने, प्रार्थना करने आए हूँ कि इंदौर का विकास और प्रगति इसी प्रकार से निरंतर होती रहे। फिर से आप सबको गणेश चतुर्थी की बधाई, और भगवान से चरणों में नमन, यही प्रार्थना के साथ
इंदौर और मध्य प्रदेश और रास में आशीष आपका बना रहा। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर खजराना गणेश मंदिर पर 10 दिनों तक कई धार्मिक आयोजन होंगे, वहीं प्रतिदिन हजारों भक्त दर्शन के लिए पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।